ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल थ्री एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स फोर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल बच्चों कितना दिया है, थ्री एक्स, है ना। एक काम करते हैं, ये जो x है ये अपॉन में कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, पूरे के अपॉन में आएगा तो इसको अलग अलग करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और ये यहाँ से x हट चुका है तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल थ्री, है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मीन्स फाइनली ये क्या बन गया, x, ये क्या है, वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, थ्री। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री है, ठीक है ना। फिर कह रहा है तो x की पावर फोर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन का मान क्या होगा, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या है। देखिए, एक काम करते हैं, अगर इसका हम क्यूब भी कर लें तो इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल थ्री है तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब इक्वल हो जाएगा थ्री का क्यूब, 27। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री ए बी मीन्स एक्स इंटू वन अपॉन एक्स और ब्रैकेट में ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल 27। अब इससे बच्चों ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री, थ्री से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू इसकी वैल्यू x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू देखो क्या है, थ्री इक्वल क्या हो जाएगा, 27, थ्री थ्री जा नाइन, तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 27 में थ्री थ्री जा नाइन माइनस कर देंगे, 27 में नाइन माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ गया। तो ये चीज़ भी पता चल गई हमको, ये भी पता चल गया कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। अब देखो क्या पूछ रहा था, x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस टू का मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, है ना। ये हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन ये लिखा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x, और ये 5x पहले से, तो ये 3x प्लस 5x, ये तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और 3x प्लस 5x 1 अपॉन 8x इंटू 1 अपॉन 8x ऐसे लिख दिया, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, 8x क्यूब हो गया। अब 1 अपॉन 8 हम बाहर कर सकते हैं और इधर क्या बन जाएगा, x की पावर 6, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 8 एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब मतलब 1 अपॉन 8 तो ऐसे लिखा रहा, और ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हुआ, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है, 18, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 8 इंटू 18, तो 2 9 18, 2 4 8, 9/4, 9/4 का मतलब 4 2 8, 1/4, 2 1/4, और 2 1/4 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 1/4,
तो देखा आपने बच्चों किस तरीके से, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था, इतना बढ़िया ही क्वेश्चन था, मजा आ गया भाई करके। देखिए समझ लो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल थ्री एक्स था। हमने बस केवल का काम किया है, ये x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स इक्वल इधर बचेगा थ्री। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल थ्री। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री। अब हमने दोनों तरफ क्यूब कर लिया, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब इक्वल थ्री का क्यूब 27। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल 27। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हम थ्री रख देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री इक्वल 27। तो इससे एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 माइनस 9 मतलब 18, ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये पता करना था एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जहाँ लिखा है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3x। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2, गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे ये 3x और ये 5x, 3x प्लस 5x 8x। तो ये बन जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये इंटू 1 अपॉन 8x, ऐसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बन गया। अब ये 1 अपॉन 8 बाहर कर लिया, तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन 8 अलग अलग कर दिया, तो x की पावर 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब और ये 1 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू में पता है 18 है, तो 1 अपॉन 8 इंटू 18 कर लिया, तो 9/4 मतलब 2 1/4। इस तरीके से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। In an examination, the success to failure ratio was 5:2. Had the number of failures been 14 more, then the success to failure ratio would have been 9:5. The total number of candidates who appeared for the examination was. एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात, मीन सफल होने वाले कैंडिडेट और असफल होने वाले कैंडिडेट की संख्या का जो अनुपात है वो 5:2 है। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, मतलब जो फेल होने वाले लोग हैं, असफल होने वाले लोग हैं, वो 14 और होते, तो सफलता का असफलता से जो रेशियो होता वो 9:5 हो जाता। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी, तो देखो बच्चों सफलता का और असफलता का रेशियो क्या दिया है, 5:2। मतलब अगर सफल वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 5x हैं, तो असफल कितने हैं, असफल कितने हैं बच्चों, असफल हैं 2x, ये है ना। तो इस समय जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 5x ये सफल वाले हैं, 2x ये क्या है, असफल वाले हैं। फिर कह रहा अगर असफल वाले 14 और होते तो इसमें असफल मतलब नीचे वाले में 14 और ऐड कर दें, तो अब ये चीज़ कितना बन जाती है, अब ये रेशियो क्या बन जाता है, 9:5 मीन्स 9/5 ये हो जाता। अब बस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जाए 25x इक्वल 9 2 जाए 18x प्लस 14 9 जाए 126 ये आ गया। अब बच्चों इसमें 25x में 18x माइनस कर देंगे तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड कर दें, 7 7 5 बचेगा 7, x की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। अब अच्छा एक बात बताओ, किसी भी परीक्षा में सफल हुए 5x, असफल हुए 2x, मतलब पास हुए 5x, फेल हुए 2x, तो टोटल स्टूडेंट एग्जाम में कितने बैठे थे, 5x प्लस 2x, क्योंकि जो लोग बैठते हैं एग्जाम में उन्हीं में से कुछ पास होते हैं कुछ फेल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करी जाएगी तो कैसे निकालोगे, सफल प्लस असफल, तो सफल कितने हैं 5x, असफल कितने हैं 2x, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 7x, तो टोटल जो कैंडिडेट होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 5x प्लस 2x मींस 7x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 18, 7 जो क्या होता है 126। तो इस तरीके से उस एग्जाम में जो अपीयर्ड शामिल होने वाले स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 126। तो इस तरीके से बच्चों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने
ये बोला है कि सफल स्टूडेंट अगर 5x हैं तो असफल कितने होंगे 2x। और ये चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि उसने ये बोला था कि परीक्षा में सफलता का असफलता से जो अनुपात है वो 5:2 है, तो अगर सफल उम्मीदवार 5x हैं तो असफल कितने होंगे 2x। फिर इसके बाद उसने एक कंडीशन लगाई कि अगर अनसक्सेस कैंडिडेट मीन्स असफल जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या 14 बढ़ा दी जाती या बढ़ जाती तो ये जो रेशियो था सक्सेस टू अनसक्सेस का ये कितना हो जाता 9:5। तो वही हमने किया, ये 5x/2x रेशियो था पहले, अब इसमें से असफल मतलब 2x में हमने 14 और बढ़ा दिया, तब ये रेशियो कितना हो गया 9:5। बस इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 18, और x की वैल्यू 18 आ गई। तो क्वेश्चन में पूछा गया था परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो परीक्षा में जो भी उम्मीदवार बैठे थे टोटल उसमें से कुछ सफल थे कुछ असफल थे, तो टोटल का मतलब क्या निकल रहा है सफल प्लस असफल, सफल कितने 5x, असफल कितने 2x, तो टोटल कितना हुआ 7x, तो 7x टोटल बना। x की वैल्यू पता है 18 है तो 7 × 14 = 18 कर लिया, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ गया 126। और 126 देखो बच्चों किस ऑप्शन नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन सर्किल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई, इफ सी डी इक्वल 18 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड ए ई इक्वल 18 सेंटीमीटर देन बी ई। कह रहा है एक वृत्त में ए बी और सी डी जीवाएं एक दूसरे को ई पर काटती हैं, चलिए काटती हैं, अगर सी डी इक्वल 18 सेंटीमीटर, डी ई इक्वल 6 सेंटीमीटर और ए ई इक्वल 18 सेंटीमीटर है तो बी ई की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए एक ये सर्कल है इस तरीके से, एक इस सर्कल की एक जीवा ऐसे है ये, एक जीवा ऐसे है ये, दोनों जीवाएं किस पॉइंट पर कट कर रही हैं, ये ई पॉइंट है। क्लियर है, एक जीवा का नाम है ए बी, ये है ए बी, और दूसरी जीवा का नाम है सी डी, ये जीवा क्या है सी डी। एक वृत्त में दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, और ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रही है, ई पॉइंट पर, तो फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए जिसकी जो वैल्यू दी है वो देखिए, सी डी इक्वल कितना दिया है 18, सी डी यहां से यहां तक ये पूरा कितना है 18, डी ई इक्वल कितना है 6, डी ई इक्वल 6 है। बच्चों ध्यान दो, डी ई इक्वल ये चीज यहां से यहां तक 6 है, और डी सी इक्वल कितना, सी डी इक्वल कितना दिया है, सी डी इक्वल है 12, सी डी इक्वल 18, सी डी यहां से यहां तक 18 है, और डी ई इक्वल कितना दिया है 6, तो ये पार्ट हम निकाल सकते हैं ना, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, देन ई सी इक्वल कितना आ जाएगा, देन ई सी इक्वल आ जाएगा 18 - 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये वाला जो पार्ट है EC हमें ये पता चल गया कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है AE इक्वल 18 है, AE इक्वल कितना है 18, ये बच्चों कितना है 18, यहां से यहां तक ये 18 है। एक थ्योरम होती है कि अगर दो जीवाएं एक वृत्त में इस तरीके से काट रही हैं कि उनका कटान बिंदु इस तरीके से मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट इस तरीके से मिल रहा है, तो ऐसे में जो थ्योरम है वो हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं। थ्योरम क्या है, AE इंटू BE, AE इंटू BE, AE इंटू BE, AE इंटू BE इक्वल, इस कॉर्ड में देखो DE इंटू EC, DE इंटू EC, समझ में आया क्या किया, इस जीवा के जो दो पार्ट हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब AE इंटू BE, इस जीवा में जो दो पार्ट हैं DE इंटू EC, ये थ्योरम है। ठीक, अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ए ई बच्चों कितना दिया है, ए ई देखो 18 है तो 18 हो गया, बी ई, बी ई हमको निकालना है तो ये ऐसे लिख दिया बी ई इक्वल, डी ई कितना है, डी ई ये 6 है, और ई सी, ई सी हम यहां निकाल चुके हैं कितना है 12 है, वैल्यू रख दिया। अब 6 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया बच्चों 3, 3 से इसको डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 4, तो इस तरीके से बी ई की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितना आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, 4 सेंटीमीटर, और 4 कहां पर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर था ना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं,
ये एक सर्कल था, इस सर्कल की एक कॉर्ड मतलब जीवा ए बी थी, दूसरी कॉर्ड सी डी थी, और ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को पॉइंट ई पर कट कर रही थी। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ई। ठीक है, अब उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि सी डी जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 18 सेंटीमीटर, जबकि डी ई मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, या पूरा कितना है 18 है, उसमें से ये पार्ट कितना है 6 है, तो ये पार्ट हम कैसे निकालेंगे? टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ई सी इक्वल क्या हो जाएगा, इस पूरे मतलब 18 में से 6 माइनस कर देंगे 12, तो ई सी हमारा ये पता चल गया 12। फिर इसके बाद बोला था ए ई इक्वल 18 है और बी ई पूछ रहा था। तो एक थ्योरम होती है कि किसी वृत्त में अगर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ऐसे में जैसे यहां पर ये दो जीवाएं एक दूसरे को कट कर रही थी, तो इस जीवा के जो दो पार्ट हैं ए ई और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है इस जीवा के दोनों पार्ट के मल्टीप्लाई के, मतलब डी ई इंटू ई सी। ये लिखा और इसके बाद सबकी वैल्यू रखी, जैसी वैल्यू दी थी सॉल्व किया, तो बी ई की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो चलिए इजाजत दीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ए पी सी एंगल ए इक्वल 90 डिग्री, If BL and CM are the medians, then triangle, तो कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शंस दिन में से सेटिस्फाई कौन करेगा, यदि त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल 90 डिग्री है और BL और CM माध्यिकाएं हैं, तो ये जो चार ऑप्शंस दिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीडियन से रिलेटेड है। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जिसका एंगल ए जो है वो क्या है 90 डिग्री है, तो इसको लेंगे ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एक मीडियन, मीडियन का मतलब होता है जो साइड के मिड पॉइंट पर कट करती है, तो यहाँ से अगर हम मीडियन ऐसे ड्रॉ करें तो ये आ गया, ये मिड पॉइंट हो गया, है ना। बी एल ये मीडियन है और दूसरी मीडियन का नाम है सी एम, सी एम इस तरीके से, ये क्या है पॉइंट एम, ये भी इसके मिड पॉइंट पर जा रही है। मीडियन का मतलब हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मीडियन टर्म का अगर कहीं पे भी यूज हो जाए तो इसका मतलब जिस साइड पे जाकर वो मिलेगी वो उसको उसके मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक मीडियन ये क्या है बी एल है और दूसरी मीडियन क्या है सी एम है, मतलब जो एल है वो ए सी का मिड पॉइंट है और जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है। क्लियर? चलिए अब आगे कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम ट्रायंगल ये वाला लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं है। तो ट्रायंगल एम ए सी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एम ए सी ये वाला लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो उस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होगा दिस स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा आपका ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल, ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल होगा सी एम स्क्वायर, क्या हो जाएगा सी एम स्क्वायर होगा। तो ये आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पहले ही बता चुके हैं कि ये जो M है बच्चों ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब जहां पर ए एम लिखा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं ए बी बाई टू, तो ये हो जाएगा ए बी बाई टू का स्क्वायर, ए बी बाई टू का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल सी एम स्क्वायर हुआ। क्लियर है ना? तो यहां से ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम ए सी स्क्वायर निकालना चाहें तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी एम स्क्वायर माइनस ए बी बाई टू का स्क्वायर, ए बी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमको यहां से मिल गई, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसी तरीके से अभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये 90 डिग्री है, तो इसमें तो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे बी ए एल, ट्रायंगल बी ए एल, ट्रायंगल बी ए एल, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल बी ए एल की अगर हम बात करें तो ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस
ए एल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर, क्योंकि बी एल ही क्या बनेगा, हाइपोटेनस, बी एल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब जैसे कि बताया कि ये जो मीडियन, ये मीडियन थी, बी एल मीडियन थी, मतलब एल जो पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट है, मीन्स जहां पर ए एल लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, जहां पर ए एल लिखा है यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई टू का स्क्वायर, ए सी बाई टू का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे ए बी स्क्वायर बच्चों आ जाएगा आपका बी एल स्क्वायर माइनस ए सी बाई टू का स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दो ट्रेंगल ले लिया, अब तीसरा ट्रेंगल जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंगल था ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, इसमें क्या हो जाएगा, इस ट्रेंगल में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर होगा ना। अब यहां से वैल्यू रखेंगे, यहां से वैल्यू रखिए, देखिए ए बी की वैल्यू ये आ चुकी है, ए सी की वैल्यू ये आ चुकी है, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ए बी स्क्वायर क्या है आपका, बी एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर माइनस ए सी बाई टू का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ चुकी है, सी एम स्क्वायर, सी एम स्क्वायर माइनस ए बी बाई टू का स्क्वायर, ए बी बाई टू का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, बी सी स्क्वायर हुआ ना। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर माइनस, ये एक साथ लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा ना, इक्वल बी सी स्क्वायर, इक्वल बी सी स्क्वायर। और ये देखो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, बी एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर आ रहा है और ये सी एम स्क्वायर आ रहा है माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा इक्वल बी सी स्क्वायर। और ध्यान दो बच्चों ये जो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, बी सी के, बी सी स्क्वायर। तो जहां पर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लिखा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल क्या हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया ना। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये बच्चों उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मीन्स बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई फोर, तो कितना हो गया, फोर बी सी प्लस फाइव, फाइव बी सी स्क्वायर, फाइव बी सी स्क्वायर अपॉन फोर, और फोर से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, फोर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल फाइव बी सी स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं, और यही पूछा गया था कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इक्वेशन नंबर जो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, फाइव बी सी स्क्वायर अपॉन फोर, फोर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, फोर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फोर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल फाइव बी सी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और थोड़ा सा लेंदी भी था, क्यों, क्योंकि मीडियन से रिलेटेड था और उसके बाद भी तीन ट्रेंगल्स एक साथ कनेक्ट कर दिए गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमें तैयार तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर का डिस्कशन है, मतलब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी भरपूर प्रैक्टिस हमें करनी होगी। एक बार फिर से देख लो क्या था, हमने ये सिचुएशन तो समझ गए थे, फिगर कैसे ड्रॉ किया, फिगर जैसा क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ हो गया, बस इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह थी कि एक बार हमने इस ट्रेंगल को लेकर डिस्कशन किया है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल था, दूसरा ट्रेंगल ये हमारा था और तीसरा ट्रेंगल ये ओरिजिनल ए बी सी था, और तीनों ट्रेंगल में हमने बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, और सभी जगह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बनाई और इसको सेटिस्फाई करा दिया, किससे,
जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल था इसमें से, हर जगह बस वही पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, कि जो टर्म यूज हो रहा था मीडियन, बस उसको समझना था। मीडियन का मतलब होता है जिस साइड पर वो मीडियन जाके मिलेगी वो पॉइंट उस साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, बस उसका यहाँ पर यूज किया गया है। जैसे ये ए बी बाई टू हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था ए एम, और ए एम क्या है, एम मिड पॉइंट है, मीडियन मिल रही है यहाँ पर, तो ए एम जो है वो ए बी का क्या होगा, हाफ होगा, इसलिए ए एम की जगह क्या लिखा है ए बी बाई टू। इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ पर लिखा था ए एल, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये ए सी का बाई टू है, ए सी बाई टू का स्क्वायर। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना लिया और उसको सेटिस्फाई करा दिया किससे, ओरिजिनल ट्रायंगल से, और उसके बाद सॉल्व कर लिया, तो हमारा जो आंसर आया उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, एज इट इज देख लो पूरा यहाँ क्या आ रहा है, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5 ऑफ BC स्क्वायर, गॉट इट। उम्मीद करते हैं बहुत बहुत बिंदास तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं कोई जरा सा भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। चलिए सिलेंडर की जो रेडियस है बच्चों वो कितना गिवन है, सिलेंडर की रेडियस आर 7 सेंटीमीटर ये गिवन है, है ना। इसके बाद कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये कितना गिवन है, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना बच्चों। जो सिलेंडर का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ होता है, ये क्या होता है, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ होता है CSA क्या होता है, 2πRh, क्या होता है 2πRh, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 440। अब वैल्यू रखो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना गिवन है 7 इंटू h नहीं पता है लिख दिया, इक्वल हो गया 440, है ना। 22 से बच्चों इसको डिवाइड करेंगे, 22 2 जा तो 20 आ गया। अब इस 7 से बच्चों ये वाला 7 कैंसिल, तो 2h की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 20, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/2 मींस 10, h की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर आए ना, एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, रेडियस पहले से पता है, तो कह रहे इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। अब बात करते हैं आयतन मतलब वॉल्यूम की, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7 इंटू 7 इंटू हाइट क्या आ रही है 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 7 से 7 ये कैंसिल, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 22/7 या 154 इंटू 10 दैट इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है ना। तो इस तरीके से इस बेलन का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 1540 सेंटीमीटर क्यूब, और 1540 देखिए कहां पर दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो देखा आपने किस तरीके से, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बस आपको इसमें फार्मूले पता होने चाहिए, और मेंसुरेशन के एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उसके फार्मूले पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पर हर चीज़, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो स्फेयर हो या कुछ भी हो, आपको बिना फार्मूले के काम नहीं चलना है, तो फार्मूले पर विशेष ध्यान देना है आपको मेंसुरेशन वाले पार्ट में, और इसके बाद जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कि ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 मतलब इससे पूरे पेपर का डिस्कशन हो चुका है, और अब हम लोग नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पेपर की जब बात करेंगे तो उसके पहले एक जो हर बार बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन मतलब पूरा का पूरा पेपर आपके सामने डिस्कस किया, एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, एक एक जरा जरा सी बात जो आपके काम की थी, सारा कुछ डिस्कस होने के बाद फाइनली आपको क्या करना है कि कम से कम एक बार तुरंत
इन सारे क्वेश्चंस को, मतलब पूरे के पूरे पेपर को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।